हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे यूजीसी नेट एजुकेशन की यूनिट 6 अनुसंधान अभिक्षमता, यानी कि शिक्षा में शोध, उसके बारे में। क्योंकि भाई टॉपिक काफ़ी लेंथी है, तो उसका आई थिंक हो सकता है कि पार्ट 1 या 2, 3 तक हो। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका टॉपिक अनुसंधान का अर्थ क्या है। अनुसंधान क्या होता है, यानी कि शोध क्या होता है। अनुसंधान कार्यों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है या फिर मनुष्य की जानकारी में नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। उन उत्तरों की हम खोज करते हैं, उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कुछ आंकड़े, कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढकर इकट्ठा कर उस समस्या को जो है समाधान करने की कोशिश की जाती है और समाधान किया जाता है। अनुसंधान जो होता है वो नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्यों द्वारा प्राचीन प्रत्ययों तथा तथ्यों का नवीन अर्थापन किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों की जानकारी की जाती है जिनमें विशिष्ट तथ्य क्रियाशील होते हैं, जैसे कि अन्य क्रियाशील नहीं होते हैं। अगर हम कहें तो अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, अब री का अंग्रेजी में अर्थ होता है बार बार तथा सर्च का अर्थ होता है खोजना। अंग्रेजी का ये शब्द शोध की प्रक्रिया है को प्रस्तुत करता है। अब शोधकर्ता को किसी तत्व को बार बार देखता है जिससे कि उसके संबंध में प्रदत्तों को वह एकत्रित कर सके। अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ की खोज करनी है तो हम उससे रिलेटेड उन चीज़ों को बार बार देखेंगे कि कहीं हमें उसमें कुछ नया मिल जाए, कुछ हमारा काम का मिल जाए। ठीक है, जिससे कि उसके संबंध में प्रदत्तों को वह एकत्रित करे और उसके आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष को वह निकाले। शोध कार्यों के द्वारा जो चरों का सहसंबंध किया जाता है, वह सहसंबंध दो प्रकार का होता है। एक आपका सर्वेक्षण शोध कार्यों द्वारा सामान्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है और ये संबंध जो है विशिष्ट परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। प्रत्येक शोध के चरों का सहसंबंध जो है विशिष्ट अवधारणाओं पर आधारित होता है, जैसे कि आपका ऐतिहासिक शोध कार्यों में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। अब आपने जैसे कि पहले खोज ही की गई थी कि ऐतिहासिक यानी कि पुराने समय में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जिसके बारे में आज हम जानते हैं, तो वो एक सर्च हुआ था, खोज हुई थी, है ना। तो उस पर जो था उसकी नवीन खोज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, मैक्रेप एवं वॉटसन कहते हैं कि अनुसंधान जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता ही जो होती है ज्ञान वृद्धि की जाए, यानी कि हम कुछ और नया जानें, उससे क्या होगा, हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी, प्रकृति के लिए प्रोत्साहित करें, समाज के लिए सहायक हो और मनुष्य को अपने प्रभावशाली बना सकें। ठीक है, फिर आप क्या बात करते हैं अनुसंधान की कुछ विशेषताएँ। अनुसंधान की प्रक्रिया जो है वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं तो उसकी जो व्यवस्था है वैसी होनी चाहिए कि अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है, इसमें जो विश्वसनीय तथा वैध प्रवृत्तियों को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में उन्हीं चीज़ों को माना जाता है कि जो कि बिल्कुल पक्की हो जाती है, कि विश्वास लाए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, वैध है, जाने कि उनको बिल्कुल लागू किया गया है, बिल्कुल सत्यापित कर दिया गया है कि ये पूरी तरीके से ठीक है। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है। जो भी कार्य या फिर जो भी समस्या होती है उसके गुण और उसके परिमाण, यानी कि ये जो कहा गया है वो ठीक है, इसके परिणाम, इनकी सबकी व्यवस्था होती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, फिर उसका एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि शोध कार्य का आलेख जो होता है वो सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। जो भी आपने शोध कार्य किया है उसका जब आप एक पूरा आलेख बनाएंगे तो वो बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। इससे जो है प्रत्येक शोध कार्य को अपनी विधि तथा प्रविधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में जो है सहायक होती हैं। ठीक है, फिर आपका अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। इसमें सामान्य नियम और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्ष हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं,
को इनको सबको महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि शोध कार्य क्या है उसमें आप अपने खुद के विचार नहीं लिख सकते, अपनी खुद की रुचियाँ नहीं लिख सकते, या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये भी महत्वपूर्ण होना चाहिए वो आप इसमें नहीं लिख सकते। उसमें जैसा आपने खोज की है, जैसा आपको मिला है, वही चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। इन प्रभाव के लिए सावधानी रखनी होती है। यह एक तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। इसमें तर्क भी होता है कि भाई अगर ऐसा हुआ था कि क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, ठीक है, उसकी एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं तर्क और वितर्क के। प्रत्येक शोध कार्य से विषय निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यकरण का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्य में धैर्य रखना होता है, इसमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि हम उसके बारे में एक तो पूर्णता से हम उसकी खोज नहीं कर पाएं, दूसरा करें तो हो सकता है कि गलत जानकारी हम कर लें या फिर हम उसको सही से तैयार ना कर पाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अब बात करते हैं अनुसंधान के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। किसी भी समस्या के समाधान या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के दो मुख्य कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं, दो मुख्य कारण होते हैं, होता है आपका बौद्धिक और दूसरा होता है आपका व्यवहारिक। बौद्धिक कारण का संबंध जो होता है वो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति पे होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे मन में ये सवाल आया कि जैसे कि पहले के टाइम पे लोगों के मन में सवाल आया कि चंद्रमा पे क्या है, ठीक है, कैसा दिखता है, ऊपर अगर हम जाएंगे तो किस तरीके का होगा, या फिर मंगल ग्रह कैसा है, वो हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा प्रवृत्ति हुई और हम उसको जो है उस जिज्ञासा की संतुष्टि उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, उसकी खोज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम लोग जो है वो चंद्रमा पे पहुंच भी गए, उसके बारे में हमने जान भी लिया, उसकी खोज भी की, सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से जो बौद्धिक कारण होते हैं उनका संबंध जो होता है वो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति से होता है, जो कि ज्ञानार्जन से प्राप्त संतुष्टि की भावना से है। व्यवहारिक कारण का संबंध मनुष्य की उस इच्छा से होता है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करके अन्य कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक कर सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप टीचिंग कर रहे हो और आपका जो है व्यवहारिक कारण है, अगर आपको उसको और अच्छे से इम्प्रूव करनी है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में और जानेंगे और उसको जानने के बाद अपनी उस पर जो है लागू करेंगे तो उसको और कुशलतापूर्वक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, पहला आपका मूलभूत अनुसंधान और दूसरा आपका व्यवहारत अनुसंधान, ठीक है। फिर आपका मूलभूत अनुसंधान क्या है, ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते हैं। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्रवचनाओं का निर्माण करना है। जैसे कि मूलभूत अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्ष से संबंधित करता है। फिर आपका आता है व्यवहारिक अनुसंधान, इस वर्ग में अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अनुसंधान के सोपान की। सोपान क्या क्या होते हैं, अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान कुछ विशिष्ट पदों के क्रम अनुसार किया जाता है। जैसे कि अनुसंधान के 6 सोपान बताए गए हैं। सबसे पहला आपका समस्या का चयन। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ की खोज करेंगे तो उससे पहले क्या होगा, आपकी जो समस्या है उसका पहले चयन करेंगे कि आपको खोज किसकी करनी है। फिर आप करेंगे परिकल्पना का प्रतिपादन। उसके बाद में आपका आएगा शोध की रूपरेखा, कि भाई एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि हमें ये काम इस तरीके से करना है। उसके बाद में आप करेंगे प्रदत्तों का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी सामग्री मिल रही है उन सबको आप इकट्ठा करेंगे, कौन कौन से आपको डाटा मिलना है। फिर है आपका प्रदत्तों का विश्लेषण, फिर आपने जो डाटा को इकट्ठा किया है उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर है आपका सामान्यकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन। उसके बाद में आप जो है निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अब आपको कौन कौन सी चीज़ों की खोज करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। अब प्रथम सोपान, ये आपके मैंने सिस्टम पूरे सोपान आपको बता दिए। सभी प्रकार के शोध कार्यों में इन्हीं सोपानों का अनुसरण किया जाता है। आप किसी भी तरीके का शोध करेंगे, किसी भी चीज़ की खोज करेंगे तो आपको ये 6 सोपान जो है वो जानने होंगे। अब एग्जाम में आता क्या है, ये आते हैं सोपान आपके सीरियल वाइज, जैसे कि आपको ऊपर नीचे आगे पीछे दे दिए जाएंगे तो इनको आप एक सीरियल में लगाना पड़ेगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कब से पहले आपको क्या करना है, कि समस्या का चयन करना है, फिर परिकल्पना का प्रतिपादन करना है, फिर शोध की रूपरेखा करनी है, फिर प्रदत्तों का संकलन, फिर प्रदत्तों का विश्लेषण एंड सामान्यकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन। ये 6 सोपान आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इनका जो है शोध कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान।
शिक्षा के विकास की दृष्टि से दोनों ही प्रकार के शोध कार्यों का महत्व है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार और विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही है। इससे आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को करना है शेयर। बाकी का मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।